और मैं आज मेरठ की ये धरती, क्रांतिकारियों की धरती, वीरों की धरती से भ्रष्टाचारियों को साफ साफ कह रहा हूं, भ्रष्टाचारी कान खोल के सुन ले, ये मोदी पर चाहे कितने भी हमले करे, ये मोदी है रुकने वाला नहीं है। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा जरूर होगा। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मेरठ की इस धरती का, देश की अखंडता और एकता से बड़ा रिश्ता रहा है। ये स्वतंत्रता सेनानी वीर मंगल पांडे की कर्म भूमि है। ये धरती धनसी कोतवाल जैसे शूरवीर की धरती है। शौर्य की इस धरती से आज मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि कैसे कांग्रेस और इंडी अलायंस देश की अखंडता और देश की एकता को तोड़ते रहे हैं। आज ही कांग्रेस का ये एक और देश विरोधी कारनामा देश के सामने आया है। तमिलनाडु में भारत के समुद्री तट से कुछ दूर, कुछ किलोमीटर दूरी पर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में समंदर में एक टापू है, एक द्वीप है, कच्चा थीवू, अलग अलग नाम भी लोग बोलते हैं, कच्चा थीवू। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है, लेकिन कांग्रेस ने चार पांच दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। और ये कहते हुए मां भारती का एक अंग आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडिया अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया।